अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल क्रिकेट फॉर यू में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल टी20 कप के मैच नंबर 18 से मुतल्लिक। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये मैच किन दो टीमों को मैदान खेला जाएगा, मैच की टाइमिंग क्या होगी और इसके अलावा मैं आपके साथ इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी शेयर करूंगा। दोस्तों अगर हम नेशनल टी20 कप के मैच नंबर 18 की बात करें तो ये मैच साउथर्न और सेंट्रल पंजाब की टीमों के मैदान 3 अक्टूबर को शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपके साथ इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 शेयर करूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए तो बरए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुँच सकें। तो चलें दोस्तों वीडियो की तफसील में चलते हैं और सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं साउथर्न टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों अगर हम साउथर्न टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पे नाम आता है शोएब मकसूद का। दोस्तों शोएब मकसूद ओपनिंग बल्लेबाज हैं और साउथर्न टीम के कप्तान भी हैं। दोस्तों नंबर 1 के बाद अगर नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पे मौजूद हैं बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज जैन अब्बास। दोस्तों जैन अब्बास भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और कमाल की बैटिंग करते हैं। दोस्तों नंबर 2 के बाद अगर नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पे मौजूद हैं जीशान अशरफ। दोस्तों जीशान अशरफ ऑल राउंडर बैट्समैन हैं और कमाल की बॉलिंग भी करते हैं और बेहतरीन बैटिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों जीशान अशरफ वाइस कप्तान है साउथर्न टीम के। दोस्तों नंबर 3 के बाद अगर नंबर 4 पे नजर डाली जाए तो नंबर 4 पे नाम आता है आजम खान का। दोस्तों आजम खान भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और ये मोइन खान के साहबजादे हैं, ये विकेट कीपर बैट्समैन है और कमाल की बैटिंग करते हैं। दोस्तों नंबर 4 के बाद अगर नंबर 5 पे नजर डाली है तो नंबर 5 पे नाम आता है फैसल अकरम का। दोस्तों फैसल अकरम भी ऑलराउंडर बैट्समैन है और बेहतरीन बॉलिंग के साथ साथ कमाल की बैटिंग भी कर लेते हैं। नंबर 5 के बाद अगर नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पे मौजूद हैं खुशदिल शाह। दोस्तों खुशदिल शाह भी ऑलराउंडर हैं और कमाल की बॉलिंग के साथ साथ बेहतरीन बैटिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों नंबर 6 के बाद अगर नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पे मौजूद हैं। दोस्तों नंबर 6 के बाद अगर नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पे मौजूद हैं हसन खान। दोस्तों नंबर 7 के बाद अगर नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पे नाम आता है सलमान अली आगा का। दोस्तों सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर बैट्समैन है और बॉलिंग के साथ साथ कमाल की बैटिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों नंबर 8 के बाद अगर नंबर 9 की बात की जाए तो नंबर 9 पे मौजूद हैं नसीम शाह। दोस्तों नसीम शाह फास्ट बॉलर हैं और बेहतरीन बॉलिंग करवाते हैं। दोस्तों नंबर 9 के बाद अगर नंबर 10 की बात की जाए तो नंबर 10 पे नाम आता है मोहम्मद इलियास का। दोस्तों मोहम्मद इलियास भी फास्ट बॉलर हैं और कमाल की बॉलिंग करवाते हैं। दोस्तों नंबर 10 के बाद अगर नंबर 11 की बात की जाए तो नंबर 11 पे नाम आता है जियाउल हक का। दोस्तों जियाउल हक भी फास्ट बॉलर हैं और अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। दोस्तों अगर हम साउथर्न के बाद सेंट्रल पंजाब की टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पे नाम आता है अहमद शहजाद का। दोस्तों अहमद शहजाद भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और कमाल की ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों नंबर 1 के बाद नंबर 2 पे मौजूद हैं सैफ बदर। दोस्तों सैफ बदर भी ओपनिंग बल्लेबाज हैं और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं नेशनल टी20 कप में। दोस्तों नंबर 2 के बाद अगर नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पे मौजूद हैं बाबर आजम। दोस्तों बाबर आजम सेंट्रल पंजाब टीम के कप्तान भी हैं और इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। दोस्तों नंबर 3 के बाद अगर नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पे मौजूद हैं पाकिस्तान के मायाज ऑलराउंडर बैट्समैन मोहम्मद हफीज। दोस्तों मोहम्मद हफीज भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और कमाल की बॉलिंग के साथ साथ बेहतरीन बैटिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों नंबर 4 के बाद अगर नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पे नाम आता है पाकिस्तान के तजर्बाकार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और ऑलराउंडर शोएब मलिक का। दोस्तों शोएब मलिक भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों में से एक है। नंबर 5 के बाद अगर नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पे पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बड़ा नाम कामरान अकमल का नाम आता है। तो कामरान अकमल पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैनों में से एक हैं। दोस्तों नंबर 6 के बाद अगर नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पे मौजूद हैं फहीम अशरफ। दोस्तों फहीम अशरफ ऑलराउंडर बैट्समैन हैं और बेहतरीन बॉलिंग के साथ साथ कमाल की बैटिंग भी कर लेते हैं। तो नंबर 7 के बाद अगर नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पे नाम आता है हुसैन तल्लत का। दोस्तों हुसैन तल्लत भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं नेशनल टी20 कप में। दोस्तों अगर हम नंबर 8 के बाद नंबर 9 पे नजर डालें तो नंबर 9 पे नाम आता है उस्मान कादिर का। दोस्तों उस्मान कादिर भी अच्छी फॉर्म में मौजूद हैं और इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं नेशनल टी20 कप में। दोस्तों नंबर 9 के बाद अगर नंबर 10 की बात की जाए तो नंबर 10 पे पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बड़ा नाम वहाब रियाज मौजूद हैं। दोस्तों वहाब रियाज भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं और कमाल की फास्ट बॉलिंग करवाते हैं और बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देते हैं। दोस्तों नंबर 10 के बाद अगर नंबर 11 की बात की जाए तो नंबर 11 पे नाम आता है एहसान आदिल का। दोस्तों एहसान आदिल भी पाकिस्तान का यंग टैलेंट है और फास्ट बॉलर हैं और नेशनल टी20 कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मैच नंबर 18 की प्लेइंग 11 जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपनी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।